भजो मन राम ओ सीता, जन्म अब जात है बीता। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। बुढ़ापा सुख और दुख देखा, जन्म अब जात है बीता। क्या बात है, क्या आवाज है आपकी। अरे भाभी आप कब आए। बस अभी अभी 5 मिनट पहले, जब आप सुंदर सा भजन गा रही थी। बैठिए भाभी। हाँ जीजी, अब आ गए हैं तो बैठेंगे ही। अरे जीजी कहा बताएं, इतनी गर्मी कि परेशान हो गए बस में। कुछ ठंडा वंडा मंगा दो पीने के लिए, गर्मी के मारे जान निकल जा रही है। हाँ हाँ भाभी, क्यों नहीं। बहू, ओ बहू, देख तो तेरी मामी सास आई है, कुछ ठंडा ले आ बेटा उनके लिए। माँ जी, कुछ ठंडा है नहीं घर में। हम्म, ये तो क्या बोल रही है। अभी तो किराने में लेके आए दो बड़ी बड़ी बोतल, दो दो लीटर की है। अभी एक हफ्ते भी नहीं हुए तो खत्म हो गया। सासू माँ, हर दूसरे दिन तो 10 मेहमान आते हैं। अब रहने भी दो जीजी, अब तुम्हारी बहुएं मुँह पे ही मना कर रही है तो क्या ही ठंडा पिलाएंगी। एक बात कहूँ जीजी, बुरा मत मानना, आपने ना अपनी बहुओं को सर पे चढ़ा लिया है। अरे कोई घर में मेहमान आया है, बड़ा आया है, इससे कौन बोलता है। किसी की इज्जत सम्मान करना तो जानती नहीं है तुम्हारी बहुएं। देखना चीची, कहीं ऐसा ना हो, आज तो मुझे कह रही हैं, कल आपको खाना देने के लिए बोल दें। इधर में खाना ही नहीं है, सब खत्म हो गया, तो क्या करोगी। अरे नहीं नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, सच में खत्म हो गया होगा। वाह जीजी, इतना भी पर्दा मत डालो अपनी बहुओं के करतूतों पे। माना कि खत्म हो गया, लेकिन एक गिलास पानी तो दे ही सकती थी, बस अंदर से ही बोल दी कि नहीं है। अरे आपने बोला मामी सास आई है, तो भी उसको देखो, देखने तक नहीं आई, मिलने तक नहीं आई, ना कोई प्रणाम ना कुछ, ना एक गिलास पानी की। वो भी खत्म हो गया आपके घर में, आपने तो पूरे सर पे बिठा लिया जीजी। बुरा मत मानना, पछताओगी एक दिन। अरे बहुओं को हमेशा जमीन पे बैठा के रखना चाहिए, नहीं तो अपने सर पे ही तांडव करने लग जाती हूँ। और कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन अपने कोई घर से धक्के मार के निकाल दें। मामी जी बस भी कीजिए मेरी सास को भड़काना, अगर आप इतनी अच्छी सास है ना तो अपनी बहू को जाके संभालिए पहले। अगर आपकी बहू सही होती और आप सही होती ना तो आपकी ये नौबत ना आती। हर 15 दिन में यहाँ ननद के घर आ जाती हो आप। अरे आपको शर्म वरम आती है कि नहीं। बहू, ये क्या तरीका है घर आए मेहमान से बात करने का। माँ जी आप तो चुप ही रहिए, सब कुछ आपकी वजह से ही हो रहा है। और मेहमान मेहमान की तरह आए तो ही इज्जत मिलती है। अरे हर 15 दिन में कोई आपके घर रुकने आ जाएगा, कब तक मेहमान नवाजी करेंगे। आए तो आए, यहाँ आकर ऊपर से ज्ञान देने लग जाती है, तुम्हारी बहू ऐसी है, तुम्हारी सास ऐसी है, ये है, फलाना है, ढिमका है। अरे इतने ही अच्छे ज्ञान है तो अपने घर गृहस्थी संभालिए ना, यहाँ आके क्यों चुगली करती हैं इसकी उसकी। खुद की बहू से 2 दिन पटती नहीं है, हर 15 दिन में भागती रहती है, कभी यहाँ कभी वहाँ। देखिए मामी जी, आपको साफ साफ बोल रही हूँ, आपको आना है तो आइए और नहीं आना हो तो मत आइए, लेकिन हमारे घर परिवार में ना जहर घोलने की कोशिश मत कीजिए। जिस दिन मेरी सास आपके घर आएगी ना कि मेरी बहू ने खाना नहीं दिया, निकाल दिया, उस दिन आप मत आना। इतने संस्कार तो दिए मेरे माँ बाप ने कि मैं अपने से बड़ों का, अपने सास ससुर की अच्छे से पूजा करूँ, अच्छे से सेवा करूँ। जी जी, कहा था ना मैंने, अपनी बहुओं को सुधार लो, सर पे चढ़ रही हैं, देख लो आपके सामने आपकी भाभी की कैसे बेइज्जती कर रही हैं। मामी जी हमको सुधरने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले से सुधरे हुए हैं बहुत अच्छे से, हमें पता है कब हमें क्या करना चाहिए। और मैंने आपको कोई बेइज्जती नहीं की, सिर्फ इतना सा कहा है कि आपको आना है तो आइए, लेकिन ढंग से रहिए, हमारे घर में जहर मत घोलिए। लेकिन आप हैं तो आपको समझ में ही नहीं आता है, है? अरे चुगली करने की भी हद होती है, आते ही शुरू हो जाती हैं आप, न मौका देती हैं न समय देती हैं। आपको आए हुए अभी 10 मिनट नहीं हुए और मेरी सास के कान भरने भी शुरू कर दिए आपने। जी जी, इतनी बेइज्जती। अरे मैं तो अपना मान के आपके घर आती थी कि चलो मेरी बड़ी बहन जैसे जीजी है हो आऊं, लेकिन मुझे क्या पता था कि आपकी बहू को इतना बुरा लगता है मेरा घर आना। आप पहले ही बता देती, मैं कदम ना रखूं आपके घर में। अरे नहीं नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप बुरा मत मानिए। क्या बुरा मत मानूं, मैं मुँह पे तमाचे पे तमाचा मारती जा रही है आपकी बहू, और आप बोल रही है बुरा मत मानिए। अरे मेरी भी कोई इज्जत है कि नहीं है। अरे मामी सास लगती हूँ इसके रिश्ते में। जा रही हूँ मैं जीजी, आज के बाद आपके घर में पलट कर नहीं आऊंगी कभी भी, चाहे कुछ भी हो जाए, आज से मेरा और आपका रिश्ता खत्म। अरे नहीं नहीं भाभी, ऐसा मत बोलिए प्लीज, आप ही तो है मेरे मायके में जो मेरा सुध लेती हैं। जी जी, अब ये घर आपका नहीं रहा, आपकी बहुओं का हो गया है,
जहाँ पे मुँह पे बेइज्जती हो रही है और अब कुछ नहीं कर पा रही हूँ, जा रही हूँ मैं। बस बस ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है, जाना है तो जाइए, बार बार बोलिए मत। बहू क्या था ये सब? क्या क्या था माँ जी? सब सही था। अरे मैं तंग आ गई हूँ आपके मायके वालों के लिए मेहमान नवाजी कर करके, क्या करूँ मैं, कुछ तो मुझे करना ही पड़ेगा, आप तो मना करने से नहीं। अरे आपको कब से बोले हूँ, मना कीजिए, लेकिन आप हैं आपको समझ में नहीं आ रहा। अरे हम काम कर करके परेशान हो गए हैं, जब देखो आज भाभी आई है तो कल भाई आया है तो परसों भतीजा आया है तो फिर बहन आई है तो फिर बहन का लड़का आया है। अरे यही चलता रहता है सातों दिन तीसों दिन आपका। बहू ये मत भूल कि ये घर गृहस्थी मेरी है और मेरे जीते जी मेरे ही परिवार वालों रिश्तेदारों के साथ तो ऐसा कर रही है। होगा घर ही आपका, लेकिन सिर्फ घर ही है, दीवारों से खाना नहीं आता, कमाता तो मेरा पति ही है ना। अरे इतना कमाता है उसके बाद भी इतने खर्चे कि हद है, कभी 10 रुपये नहीं बचता है और आप बस बैठे बैठे मेरा घर है। अरे आपका घर है तो दीवारें ही है ना, खर्चा तो मेरा पति ही चलाता है इस घर का। देखिए माँ जी आपको एक बार साफ साफ बोल देती हूँ, मेहमान नवाजी ना कभी कभी ही अच्छी लगती है। और हाँ आपको तो मैं कुछ बोल ही नहीं रही हूँ, आपको जिस चीज़ की भी कमी हो आप बताइए, आपकी सेवा में खान पीन में कभी कोई कमी नहीं आएगी। आप आराम से अपने घर में रहिए और आपको किसी चीज़ की कभी कोई ज़रूरत हो तो मुझे बताइए, आपकी ज़िंदगी में कभी कोई परेशानी आने नहीं दूंगी, अपनी बहू होने का पूरा फर्ज निभाऊंगी, लेकिन हाँ ये सब आपको बंद करना पड़ेगा। चलती हूँ मैं, और भी काम करना पड़ा है। हे भगवान ये बुढ़ापा भी कैसे दिन होते हैं, अरे जिन आर्दा औलाद के लिए अपना पेट काट काट कर इतना बड़ा घर बनाया, मकान बनाया, पढ़ाया लिखाया, अब उन्हीं के कमाए पैसों पर क्या हमारा इतना भी हक नहीं कि हम अपने परिवार वाले रिश्तेदारों को 2 दिन खाना भी खिला सकें। अरे अब हमारा बेटा क्या हमारा बेटा नहीं रह गया, सिर्फ पति बन के रह गया है, सिर्फ बीबी का ही हक है उसकी कमाई पर। अरे हम भी तो कमाते थे, जिंदगी भर बच्चों को ही कमा के खिलाया है, उसके बाद भी ये हालत, कितना बुरा लगा होगा आज मेरी भाभी को, कैसे बेइज्जती करके मुँह पे आते ही बहू ने वापस भेज दिया, और वहीं खुद के मायके वाले यहाँ के 10-10 दिन रहते हैं, कभी भी घर खाली नहीं होता, लेकिन बहू को कोई कहने वाला नहीं है। अरे मैंने तो कभी सोचा भी नहीं कि ऐसा भी कोई कर सकता है। अरे ठीक है रिश्तेदार हैं, अपने घर नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे, अरे समाज में रहते हैं, रिश्तेदारी में रहते हैं तो आना जाना तो लगा ही रहता है। हे भगवान क्या करूँ मैं, भगवान अब अपने पास बुला लो, जीने की कोई इच्छा नहीं बची, इतनी जिल्लत की जिंदगी जीने से तो अच्छा है कि मर जाऊँ मैं। अरे कहने को तो यही बोलती हूँ कि आपको कभी कोई तकलीफ नहीं होगी आपकी सेवा में, अरे कैसी सेवा, जब आत्मा इतनी दुखी करोगे तो क्या सेवा क्या कुछ। अरे मेरे भैया तो वैसे भी कभी भी मेरे घर नहीं आते, एक मेरी भाभी इतनी अच्छी है जो रिश्तों को बनाए रखती है, आते जाते आ जाती है 1-2 दिन के लिए, लेकिन बहू ने आज उसको भी भगा दिया घर से। तो भी मेरे घर कभी नहीं आएगी, एक तो बहू मुझे कहीं कभी रिश्तेदारी में जाने नहीं देती, किस उम्र में आप कहाँ जाओगे, ऊपर से जो मेरे चाहने वाले घर आते उनको भी नहीं आने देती, अब मैं करूँ तो क्या करूँ, जेल की तरह कैद होके रह गई हूँ इस घर में, जहाँ मैं अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती। आप लोग ही बताइए दोस्तों, क्या ये सही कर रही है मेरी बहू, क्या बुढ़ापे के बाद हमारी कोई इच्छाएँ नहीं होती, हमारे चाहने वालों से मिलने की हमारी इच्छा नहीं होती क्या, क्या बुढ़ापे के बाद हम सिर्फ अपने घर में एक कैदी की तरह जिंदगी रख सकते हैं, क्या शादी के बाद हमारे बेटों की कमाई पर हमारा इतना भी हक नहीं होता कि हम अपने रिश्तेदारों को 2 रोटी दे सके, सिर्फ बीबियों का ही हक होता है क्या। भगवान ना करे ऐसी बहू आप में से किसी को भी मिले, और ऐसी बहू के साथ क्या करना चाहिए आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, ये सच्ची घटना है दोस्तों, कोई कहानी नहीं है, मेरे किसी एक दर्शक ने शेयर की थी, क्या बीत रही होगी उन आंटी पर। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि ऐसी अच्छी अच्छी स्टोरी आपको देखने को मिलती रहे। और हाँ अगर आप लोग भी कोई अपनी स्टोरी शेयर करना चाह रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं पर्सनली आपसे कॉन्टेक्ट करूँगी और आप मुझे अपनी स्टोरी भेज सकते हैं जो मैं ज़रूर बनाऊंगी।
जैसे कि ये वीडियो एक दर्शक की रिक्वेस्ट पर जो उन्होंने भेजी थी उसके हिसाब से ही बनाई गई है। तो फिर मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राम राम।